सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकस्टार एडिटिंग चैनल। फ्रेंड तो यार आज के इस वीडियो में हम आपको इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं, जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड इस वाले फोटो को हम एडिट करें एक लाइटरूम ऐप से एंड एक पिक्स एप्लीकेशन वाले से, ठीक है। इसमें जितने भी हम पीएनजी यूज़ करेंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो फोटो है लाइटरूम के अंदर आ गया है। लाइटरूम के अंदर आ जाने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे आना है एंड इसको डार्क मोड में करना है, ठीक है। डार्क मोड में करने के लिए ग्रीन वाला ऑप्शन पे आना है पहले। इसके सेचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है एंड लाइटनेस को भी आपको माइनस कर लेना है करीब 35 करीब, ठीक है। फिर येलो वाला ऑप्शन पे आना है, इसके भी सेचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है एंड इसको माइनस लाइटनेस को माइनस 22 करीब कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है करीब 19 करीब। फिर लाइट वाला ऑप्शन पे आना है, ठीक है। लाइट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद सबसे पहले इसके हाईलाइट को कम करना है आपको और शेडो को भी आपको माइनस कर लेना है पूरा 87 करीब। और इसके ब्लैक्स को भी आपको माइनस कर लेना है करीब 36 करीब और वाइट्स को भी आपको माइनस कर लेना है करीब -10 करीब, ठीक है। एंड एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर लेना है करीब -3 करीब और कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है 7 करीब। इतना कर लेने के बाद फिर आपको कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको बीच से पकड़ के इसको इस टाइप से नीचे ऐसे खींचना है, ठीक है। एंड इसको कुछ इस टाइप से ऐसे इधर पे नीचे करना है और इसको भी पकड़ के इधर ऐसे करना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से लाइन आपको बना लेना होगा। इतना लाइन बना लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और फोटो में विगनेट डाल देना है, तो विगनेट को आपको रखना है करीब 35 करीब और क्लियरिटी बढ़ा देना है आपको फोटो में 31 करीब, ठीक है। और डीएच को भी आपको बढ़ा लेना है ताकि हमारा फोटो डार्क मोड में हो जाए 30 करीब। और यहाँ पर फेदर वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो फेदर को भी आपको बढ़ा लेना है 69 करीब और रेडनेस को भी 29 करीब बढ़ा लेना है, ठीक है। फिर इतना ऑप्शन हो जाने के बाद ट्रेंगल वाला ऑप्शन पे आना है और नॉइज रेडिएशन को बढ़ा लेना है आपको 11 करीब। सो गाइस, इतना ऑप्शन हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो फेस है इसको गोरा करना है, तो फेस को गोरा करने के लिए कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके लेमनेस को आपको प्लस करना है। जितना प्लस करेंगे उतना हमारा फेस जो है गोरा होगा, तो हम प्लस 55 कर लेते हैं और सेचुरेशन को माइनस कर लेते हैं करीब -18 करीब, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो फोटो है लाइटरूम ऐप से पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। अब इसको एडिट करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर हम पीएनजी लगाएंगे, तो इसको शेयर कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फोटो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ गया है। सबसे पहले इसमें पीएनजी लगाना है इंस्टाग्राम वाला, तो पीएनजी लगाने के लिए आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है, और लगाना होगा। तो लगा लेते हैं हम। सो अगर इसको लगा लेने के बाद आपको आना है इसके ब्लेंड मोड पर, ठीक है, एंड इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। एंड स्क्रीन करने के बाद इसको कुछ स्टेप्स ऐसे बड़ा कर लेना होगा आपको, ठीक है। ऐसे बड़ा कर लेने के बाद कुछ स्टेप्स ऐसे बड़ा कर लेना है एंड बड़ा कर लेने के बाद फिर आपको इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने फेस के ऊपर से एंड हैंड के ऊपर से जितना भी है इसको हटा लेना है। तो हम फटाफट इसे इरेजर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा ये है इंस्टाग्राम वाला जो फेस पे था इसको इरेजर हम कर लिए हैं, इरेजर हो गया है। इतना हो जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड एक और पीएनजी ऐड करना है, उसका इंस्टा मॉडल पीएनजी नाम का है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, इसको भी ब्लेंड मोड पर जाकर आपको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है, और इसको कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ऐसे लगा लेने के बाद फिर सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस, इतना ऑप्शन हो जाने के बाद और एक पीएनजी लगाना है, तो उसको भी हम लगा लेते हैं फटाक से। सो गाइस, इसको ऐसे कुछ स्टेप से ऐसे इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन कर लेने के बाद इसके ब्लेंड मोड पे जाकर आपको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। स्क्रीन कर लेने के बाद फिर इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जितना ये फेस पे एंड आपको बॉडी पे आया है इसको इरेज कर लेना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फटाक से इरेज कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो पूरा है अच्छी तरह से इरेज भी हो चुका है एंड फोटो भी पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। इतना हो जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है।
और इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्रा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेव इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो जो हमारा फोटो है गैलरी में अच्छा से सेव हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं करे हो तो स्क्रीन पे आईडी दिख रही होगी इंस्टाग्राम का, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।